अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी, आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कढ़ाई को साफ़ करने का कोई तरीका बताएं, कढ़ाई की ग्रीस जो है उसको कैसे साफ़ करें। तो ये सालों की जमी हुई मेरी कढ़ाई पे एक कालक है जो कभी नहीं उतरती। इस पर काफ़ी जो है मैंने मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की है। मैंने दराज से एक लिक्विड भी मंगवाया था कढ़ाई को साफ़ करने का, पर वो भी नाकाम गया। तो मैं घर की चीज़ों से इसको साफ़ करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो कढ़ाई को मेरे पे मैंने आग पे रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। मैंने आग जला के उस पे रखा है। उसके बाद ये एक पेस्ट बना रही हूँ जिसमें मैंने डाला एक चम्मच जो है सोडा, एक आधी चम्मच जो है सिट्रिक एसिड, एक लीमू, और इसके साथ मैं इसमें डिश वॉश ऐड करूँगी, विम हो कोई भी हो। तो लिक्विड वाला जो है ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। बस ये एक पेस्ट बना लूँगी और वहाँ पे हो रही है कढ़ाई गरम। कढ़ाई जो है खाली जो है आग पे रख के उसको गरम करना है, सिर्फ सिर्फ ही गरम करना है। तो आप देखिए ये पेस्ट बन गई है और ये इसकी झाग बन गई है ऐसे। तो अभी जो है इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, उसके बाद जो है कढ़ाई आपको दिखाती हूँ। देखिए ये गरम हो चुकी है। तो अब पहले मैंने इसको ऐसे सीधा रखा था ताकि ये गर्म हो जाए, उसके बाद मैंने इसको पलट लिया, उल्टा कर लिया। तो ठीक है, उल्टा इसलिए किया क्योंकि इस साइड पे जो ये कालक है इसको हमें साफ़ करना है। तो नहीं, अंदर वाले वो साइड से तो वो वैसे साफ़ है, उसको साफ़ नहीं करना। ये बाहर से जो है इस जो है साइड से इसको साफ़ करना है। तो ये जो मैंने बनाया है एक पेस्ट था जो, तो मैं इसमें ऐसे लगा दूँगी तो ये गिर रहा है, ये नहीं ठहरता आज क्योंकि ये गर्म है ना कढ़ाई, इस पर ये ठहरेगा नहीं। फिर भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा बस लगा रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत ये लग जाए। तो ये थोड़ी सी वो जो है गर्म होती है तो वैसे ही इसकी जो कालक जमी हुई है ये वैसे ही जो है नरम हो जाएगी, तो ये लगाने से और भी नरम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे रगड़ना है, उसके बाद किसी नाइफ से किसी छुरी से भी इसको जो है कालक को उतारना है। तो नीचे पहले मैं इसका जो है थोड़ी बहुत चिकनाई है इस पर बाहर वाली साइड से, तो इसको मैं हटा रही हूँ। उसके बाद जी एक नाइफ़ ली मैंने, उस नाइफ से जो है ना इसको इस तरीके से इसकी कालक को हटाना है। तो ये पूरी हटने लगेगी, जैसे हम इसको जो है लगाते जाएंगे नाइफ पे वैसे ही ये उतरती जाएगी। तो बहुत ही इजीली ये उतर रही हैं। तो एक जो है मैंने ये स्क्रबर पेपर लिया है, इससे भी मैंने इसको रगड़ा थोड़ा बहुत, तो इससे भी थोड़ा बहुत ये साफ़ हो रही थी। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिश वॉश जो है डालूंगी, उसके बाद जो है इसको रगड़ूंगी और इस पेपर से भी इसको रगड़ूंगी ताकि इसकी थोड़ी बहुत जो ऊपर वाली कालक है वो उतर दी जाए। पर ये जैसे गर्म हो जाएगी तो ये इजीली नाइफ से उतरेगी, नाइफ से सही तरीके से ये पूरी उतर पाएगी। तो आपको मैं दिखाती भी जाती हूँ ऐसे जो है। मैंने पहले जो है हैंड ग्लोव्स पहन लिए थे, उसके बाद तंग कर रहे थे मुझको, उससे जो है मैं सही से रगड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने हैंड ग्लोव्स जो है उतार दिए थे, उसके बाद जो है मेरा हाथ जो है बहुत हाथ ख़राब भी हो गए थे और थोड़ा सा हाथ जल भी गया था। तो हाथ जलाना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से ये काम करना होता है क्योंकि गर्म कढ़ाई करके उसके बाद ही इसको रगड़ना होता है। क्योंकि गर्म गर्म पे हम जो है इसको ऐसे रगड़ेंगे ना तो जल्दी ये साफ़ होती जाएगी। तो जितनी गर्म होगी उतना ही मतलब सही से ये साफ़ होती जाएगी। आप देख सकते हैं इतनी ये जमी हुई इस पर कालक है, ये कभी नहीं उतरती। इस कालक को मैंने उतारा। तो जी इसको साफ़ करने में जो है नाइफ़ ने मेरी बहुत मदद की, नाइफ़ से जो है बहुत सही तरीके से ये साफ़ हो रहा था। तो पहले इसको गर्म करके फिर नाइफ़ से इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही थी। ये आप देख सकते हैं कि ये देखो किससे निकल रही है, पूरी जो है कालक जो जमी हुई है निकलती जा रही है। बस अपना ख्याल रखना है कहीं कि आपके आइज़ पे ना लग जाए क्योंकि ये गर्म होती है ना। ये जैसे मैं मतलब जैसे आप देख रहे हैं ऐसे साफ़ कर रही थी ना, तो सामने जो है इसकी छींटे जो हैं आके ज़रे आके जो है मेरे फेस पे लग रहे थे, तो वो मुझे गर्म लग रहे थे। तो अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है, अपने फेस का भी ध्यान रखना है, उस जो काफ़ी जो है अपना ख्याल रखना है इससे कि कहीं लग ना जाए। तो ईजिली ये निकल जाएगी, पूरी निकल जाएगी। तो बस थोड़ी सी मेहनत बस यही है कि बस छुरी से जो है इसको ऐसे रगड़ना है, गर्म गर्म है और तो जल्दी ये हो रही है साफ़। अगर हम ठंडी कढ़ाई को ऐसे साफ़ करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी उसकी कालक नहीं उतरेगी। वो इतनी सख्त होती है कालक, ये इतनी सख्त होती है, वो ये ऐसे नहीं उतरती, बिल्कुल भी नहीं उतरती। जब हम इसको गर्म करते हैं ना कढ़ाई को, अभी जी आप देख सकते हैं ये मेरी कढ़ाई गर्म है तो ये कैसे जल्दी जल्दी उतरती जा रही है। तो ये गर्म कढ़ाई होती है ना तो बहुत ही जल्दी उतरती जाती है, तो इसीलिए इसको गर्म करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं नीचे जो है ना मैंने चूल्हा जला दिया है, यहाँ पर नीचे इसकी आग चल रही है तो और इसी तरीके से ये उतर रही है। अगर मैं आग बंद कर रहती ठंडी हो जाती कि ना तो ये नहीं उतरेगी, ये सख्त होती है बहुत ही।
तो अल्मोनियम का कोई भी जो है आपके पास अगर हो बर्तन, जैसे कि कढ़ाई, फ्राई पैन, कुछ भी हो, तो वो आप इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे ना, इजीली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक साइड इसकी साफ़ हो गई है, तो बस दूसरी साइड भी जो कालक जमी हुई है ये भी उतरती जाएगी। तो ऐसे मैं पूरी उतार दूंगी, बस थोड़ी सी ये मेहनत होती है कि इसको थोड़ा सा बस इसको रगड़ रगड़ के जो है नाइफ से इसकी कालक को उतारना होता है, बस मेहनत ही ये होती है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है और ना ही कोई खर्चा है कि आप कोई चीज़ ले लो और इस पे लगाओ। तो जिस जो मैंने लिक्विड मंगवाया था दराज से, वो महंगा मिला था, बहुत ही महंगा मिला था, पर काम का भी नहीं था, बिल्कुल भी उसने काम नहीं किया। तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था, तो वो मैंने वापस कर दिया। और अभी जो है मैंने मैंने सोचा कि आपको ऐसा तरीका बताऊं जिसमें कोई ना खर्चा हो ना ही ज़्यादा जो है ना ज़्यादा मेहनत भी ना हो। तो मेहनत बस यही मेहनत आपको, बस जो ये मैं अभी कर रही हूँ ना नाइफ से, बस यही मेहनत आपको करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस गर्म होती है कढ़ाई, ये तो ध्यान रखना होगा कहीं आपका हाथ ना जल जाए। तो पहले मैंने क्या किया, जो मैंने हैंड ग्लव्स पहन लिए थे, तो मेरे हैंड जो है जल नहीं रहे थे, पर जब वो ये मुझे तंग कर रहे थे, मतलब मैं रगड़ नहीं सही पा रही थी सही से। अगर मेरे हाथों में हैंड ग्लव्स थे ना, तो मैं इसको सही से रगड़ नहीं पा रही थी, तो हैंड ग्लव्स मैंने उतार दिए। तो उसके बाद जो ही मेरा थोड़े बहुत जो है हाथ जल गए थे बस। तो जी आपको भी अपने हाथों का बहुत बहुत ख्याल रखना है, कहीं आपके बिना हाथ जल जाए, क्योंकि ये गरम गरम को कढ़ाई को रगड़ना पड़ रहा है ना, तो इस वजह से हाथों पे हाथ जल सकते हैं। तो मेरा तो हाथ जो है ना 2 दफ़ा जल गया था, तो बस थोड़ा बहुत जला था, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा। तो ऐसे अचानक से बस है ना, तो थोड़ी बहुत जैसे रगड़ने में उंगली लग गई थी इस कढ़ाई पे, गर्म थी तो जल गई ऐसे थोड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं नीचे कितना जो है ना ये कालक इसकी उतर रही है, नीचे गिर रही है, आप देख सकते हैं। तो कितनी ये साफ़ हो गई, अभी अभी भी इससे ज़्यादा अभी और भी साफ़ करूँगी। तो अभी थोड़ा बहुत स्पंज से साफ़ कर रही हूँ स्टील वाले से, उसके बाद जो ही थोड़ा बहुत इसको फिर से जो है नाइफ से फिर रगड़ूंगी, ताकि जो और भी ज़्यादा उतर जाए, जितनी उतरेगी मैं उतारूंगी। उसके बाद आपको आज आज की वीडियो में जितनी दिखाऊंगी उससे ज़्यादा जो है, अगर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें भी इसको साफ़ करूंगी। तो आज ज़्यादा थी कालक, तो इतनी आज मैंने उतारी, उसके बाद जो भी उतारूंगी आपके साथ फिर भी वीडियो में शेयर करूंगी, पूरी क्लीन कर दूंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। So strong.